हे गाइस, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी फोल्डर या किसी भी सॉफ्टवेयर का कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे बना सकते हो, जिससे आप सिर्फ कीबोर्ड की प्रेस करो और आपका फोल्डर या सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो फर्स्ट आपको मैं सॉफ्टवेयर का बता देता हूँ, आप कैसे उसका कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हो। तो आपको जाना है स्टार्ट मेन्यू पे, और आप कोई भी, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ले लेता हूँ, इसके मैं फाइल लोकेशन पे जाता हूँ। फाइल लोकेशन पे सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज के शॉर्टकट पे गया। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है इसकी। तो यहाँ आ रहा है शॉर्टकट कीज़। तो आप कोई भी कीबोर्ड से अपने प्रेस कर सकते हो इस पे, नन पे क्लिक करके। जैसे मैं ए टाइप करता हूँ, जैसे मैं ए टाइप करूंगा तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट आ जाएगा उसके आगे। तो ये डिफॉल्ट है, आप कोई भी की यहाँ प्रेस करो, आप देख सकते हो ये कंट्रोल प्लस ऑल्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो मैं ए सिलेक्ट कर रहा हूँ, ए पे जल्दी फिंगर्स पहुँच जाती हैं। ए की मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली, उसके बाद अप्लाई। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वार्निंग आती है, आप इग्नोर करके कंटिन्यू कर सकते हो और ओके। उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए दबाऊंगा, आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज हमारा ओपन हो गया। तो आप इस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर का बना सकते हो शॉर्टकट अपने कीबोर्ड से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप फोल्डर्स का कैसे बना सकते हो। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब आपने शॉर्टकट्स बना रखे हो, मतलब आप किसी भी शॉर्टकट की प्रॉपर्टीज में जाओगे, सिर्फ उधर ही ये ऑप्शन आएगा शॉर्टकट की का। अगर आप ऐसे ही फोल्डर पे जाओगे और उसके प्रॉपर्टीज में जाके आप देखोगे, तो आपको कहीं भी वो शॉर्टकट की का ऑप्शन नहीं आएगा। बट अगर आप इसका शॉर्टकट बना लोगे, जैसे मैं यहाँ शॉर्टकट बना के आपको दिखा देता हूँ इस फोल्डर का, ये देखिए। अब मैं इसके शॉर्टकट पे जाऊँगा प्रॉपर्टीज में, अब यहाँ देखिए शॉर्टकट की। तो ये सिर्फ शॉर्टकट्स पे ही अप्लाई होता है। फिर आप शॉर्टकट कहीं स्टोर करके रख सकते हो किसी फोल्डर पे, और आप कीबोर्ड से ही अपने जो भी प्रोग्राम, अगर आपको कीज याद हैं तो आप ओपन कर सकते हो। इसमें भी सेम, आप नन पे क्लिक करोगे और कोई भी की दबाओगे तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी आएगा। तो आप इस तरह फोल्डर्स का भी शॉर्टकट बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो नॉलेज वाली लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।